हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या चश्मा लगाने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, या चश्मा यदि आपको लग रहा है तो क्या आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मे का पावर उसी पे रुक सकता है, घटता बढ़ता नहीं है, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या चश्मा लगाने से आँखें कमज़ोर होती हैं या नहीं होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यदि आंखों की जांच की गई है, उनकी आंखों में चश्मा लग रहा है, तो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि चश्मा लगाएंगे तो उससे आदती हो जाएंगे, इसलिए चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं और लोग चश्मा लगाना छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि चश्मा यदि हम लगा लेंगे तो इसी पर हमारा पावर रुका रहेगा, यानी कि घटेगा या बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को आधा नंबर लग रहा है, या दो नंबर लग रहा है, या डेढ़ नंबर लग रहा है, तो उसी पर रुक जाएगा। ये सब भ्रांतियाँ लोगों के मन में बनी रहती हैं, तो इसी को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को हमने आज बनाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि चश्मे का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि चश्मा लगता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चश्मा लगाना सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जब लाइट हमारी पर्दे पर पूरा प्रॉपर नहीं गिरती है तो इमेज हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो जो माइनस का पावर होता है वह लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है, यानी कि जो पर्दे से पहले लाइट गिर रही थी, माइनस का पावर दे करके लाइट को डाइवर्ज करके पर्दे तक पहुंचाना होता है, तब इमेज आपको क्लियर दिखेगा और ऑब्जेक्ट आप अच्छे से देख पाते हैं। और मान लीजिए हाइपरमेट्रोपिक है तो प्लस का पावर दिया जाता है, तो प्लस के पावर का क्या काम है कि लाइट को डाइवर्ज ना करके कन्वर्ज करना होता है, यानी कि अंदर की तरफ मोड़ना होता है। तो उससे क्या होता है कि लाइट यदि दूर गिर रही है तो कन्वर्ट करके पर्दे पर गिराया जाता है, जिससे कि इमेज क्लियर हो जाता है। बस इसका सीधा सा फंडा है कि जो लाइट हमारे पर्दे पर नहीं गिर रही है उसको पर्दे पर गिराना होता है ताकि इमेज हमें क्लियर और स्पष्ट नज़र आए। तो इससे आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है, क्या चश्मा लगाने के आदती हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इससे दोस्तों गाड़ी है, गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेंगे उतनी दूरी तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो ठीक इसी प्रकार का है कि जब आप चश्मा लगाएंगे तो आपको इमेज दिखाई देगा, यदि नहीं लगाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसमें कोई पावर रोकने या घटने या बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि पावर घटना बढ़ना है तो चश्मा लगाएंगे तो भी घटेगा, और चश्मा नहीं लगाएंगे तो भी घट जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि चश्मा लगाने से आप बिल्कुल भी आदती नहीं होंगे, यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है, इसको आप सिरे से ही खारिज कर सकते हैं, यानी कि आपको इस विचारधारा से बाहर आना होगा। यदि आपको चश्मा लग रहा है तो आप चश्मे का कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर विजन मिल सके। चश्मे का सीधा सीधा फंडा है कि चश्मे से आपको विजन 6x6 देना होता है, यानी कि आपका विजन नॉर्मल हो, नॉर्मल ना होने के कंडीशन में ही चश्मा दिया जाता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया है लेंस के ऊपर, तो लेंस क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से यदि जानना है आपको तो उस वीडियो को आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया या लेंस का वर्क क्या है। तो इस वीडियो को देख कर आप क्लियर रूप से समझ सकते हैं कि चश्मा लगाने से फ़ायदा है या नुकसान है। सीधी सीधी बात है दोस्तों, चश्मा यदि लग रहा है आपको तो चश्मा आपको लगाना चाहिए, आप चश्मे के आदती नहीं होंगे, जो भी आपकी रोशनी है वह मिलेगी, यदि चश्मा नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो इस अवधारणा से बाहर आइए और चश्मे का कंटिन्यूस यूज़ करिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।